इसराइल और ईरान में बढ़े टकराव से जुड़ी खबर है कि सीरिया में ईरान की सेना के एक बड़े कमांडर की मौत के बाद इसराइल और ईरान में जंग छिड़ने की नौबत आ गई, क्योंकि ईरान के उस कमांडर को हवाई हमले में मारा गया और उस हमले के लिए इसराइल को जिम्मेदार बताया गया। इसराइल का नाम आते ही ईरान बुरी तरह भड़क गया और उसने दो टूक कह दिया कि वो अपने कमांडर की मौत का बदला किसी भी कीमत पर लेगा, जिसके बाद ऐसी आशंकाएं जताई जाने लगी कि अपने टॉप कमांडर की मौत के बाद ईरान इसराइल के खिलाफ अपनी सेना उतार सकता है और अगर ऐसा हुआ तो पूरे पश्चिम एशिया पर जंग का खतरा मंडराने लगेगा, क्योंकि गाजा में इसराइल और हमास की लड़ाई ने पहले ही पश्चिम एशिया को बारूद के ढेर में तब्दील कर दिया है। ऐसे में एक और चिंगारी पूरे पश्चिमी एशिया में तबाही ला सकती है। और इसी बीच सीरिया में ईरान के सैयद राजी मसाफी नाम के कमांडर को मौत के घाट उतारकर इसराइल ने ईरान को सीधी चुनौती दे डाली। इसराइल की सेना ने सीरिया की राजधानी दमिश्क के बाहरी इलाके में हवाई हमले के दौरान ईरान के उस कमांडर को ढेर कर दिया। दावा किया गया कि इसराइल के लड़ाकू विमानों ने गोलान हाइट्स इलाके से मिसाइलें दागी और इजरायली हमले के बाद का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास धुएं का गुबार नजर आया। ईरान की मीडिया ने दावा किया कि इस हमले में कमांडर सैयद राजी मसाफी के साथ उनकी सुरक्षा में तैनात कई कर्मचारियों की मौत हो गई। लेकिन अपने ही कमांडर की मौत के बाद गुस्से से आग बबूला हुए ईरान ने भी साफ कर दिया कि वो इसराइल से इस कार्रवाई का बदला सूद समेत लेगा, क्योंकि ईरान के मीडिया के मुताबिक इसराइल के हमले में मारे गए कमांडर सैयद राजी मसाफी सीरिया में लंबे समय से तैनात थे और वो इसराइल के पड़ोसी सीरिया ही नहीं बल्कि लेबनान में भी ईरान की पैठ बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे थे। ऐसे में माना जा रहा है कि मसाफी की मौत के बाद इन इलाकों में ईरान की पकड़ कमजोर हो सकती है, क्योंकि इसराइल ने भी कमांडर मसाफी को ठिकाने लगाकर ईरान को बड़ी चोट देने का दावा किया और इस हमले के बाद ईरान की ओर जो आक्रामक बयान सामने आए उनसे भी साफ हो गया कि इसराइल का तीर बिल्कुल निशाने पर लगा, क्योंकि कमांडर सैयद राजी मसाफी की मौत के बाद ईरान के राष्ट्रपति से लेकर मंत्री तक इसराइल पर बरस पड़े। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने दो टूक कह दिया कि अपने कमांडर की मौत का बदला लेने के लिए ईरान किसी भी हद तक जाएगा, जबकि ईरान के विदेश मंत्री ने बयान दिया कि कमांडर मसाफी की हत्या करके इसराइल ने अपनी तबाही की उल्टी गिनती शुरू कर दी। यानी गाजा में हमास के लड़ाकों से निपटने में जुटे इसराइल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यही नहीं, आशंका जताई गई कि ईरान के कमांडर की मौत के बाद हिजबुल्ला और हूथी लड़ाके इसराइल पर हमले तेज कर सकते हैं, क्योंकि इसराइल पर हमास के हमले के बाद से ही ईरान समर्थित इन चरमपंथी संगठनों ने इसराइल की नाक में दम कर रखा है। हिजबुल्ला के लड़ाके लेबनान से उत्तरी इसराइल पर रुक रुक कर बम बरसा रही हैं, तो यमन में मौजूद हूथी लड़ाकों ने लाल सागर में इसराइल के जहाजों का निकलना दूभर कर दिया है। ऐसे में दावा किया गया कि अपने टॉप कमांडर मसाफी की मौत के बाद भड़का ईरान इसराइल को सबक सिखाने के लिए हिजबुल्ला और हूथी लड़ाकों का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि माना जाता है कि इन चरमपंथी संगठनों के लड़ाके ईरान के इशारे पर किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे में अगर हमास की तरह हिजबुल्ला और हूथी लड़ाके भी जंग में पूरी ताकत के साथ कूद गए तो इसराइल की सेना के लिए तीन मोर्चों पर एक साथ लड़ना भारी पड़ सकता है, क्योंकि हवाई हमलों में ईरान के कमांडर को मारकर इसराइल ने उसके पुराने जख्म हरे कर दिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि करीब तीन साल पहले इसराइल की ही तरह अमेरिका ने भी ईरान की स्पेशल फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी को एक एयर स्ट्राइक में मार गिराया था। और अब अपने जिगरी दोस्त अमेरिका की राह पर चलते हुए इसराइल ने भी ईरान को बड़ा झटका दे दिया। कासिम सुलेमानी को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के बाद वहां का दूसरा सबसे शक्तिशाली इंसान माना जाता था, लेकिन अमेरिका कासिम सुलेमानी को अपने सबसे बड़े दुश्मनों में एक मानता था। और साल 2020 में वो अमेरिका के हवाई हमले में इराक की राजधानी बगदाद में मारे गए थे। इस हमले के बाद ईरान ने अमेरिका से कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने की कसम खाई थी, लेकिन इसी बीच इसराइल ने कासिम सुलेमानी के करीबी माने जाने वाले
ईरान के कमांडर सैयद राजी मसाफी को मौत देकर उसके पुराने जख्मों पर भी नमक छिड़क दिया, क्योंकि इसके बाद कहा जाने लगा कि कासिम सुलेमानी की हत्या के बदले की बात करने वाला ईरान अपने एक और कमांडर को नहीं बचा पाया।